हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज हम हमारी स्कूल में लॉकडाउन में आए हुए हैं। ये हमारे स्कूल का बरगद है, विशाल, और आसानी से इसकी वटवृक्ष की छाया में हम लगभग सारे प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब कभी मैं स्कूल आऊँगा तो आपको प्रैक्टिकली भी जो पीछे टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको समझाऊँगा। तो ये अपने भौतिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है, इस भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में जो थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास, ये हमारे सहयोगी महावीर जी, छोटे भाई। और दोस्तों, ये पीछे बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो, प्रैक्टिकली जो अभी कुछ दिन पहले बच्चों को किया था, प्रैक्टिकली करवाया था, तो उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2020। इसमें दोस्तों, ये एक तो मेजर एक्सपेरिमेंट है और दो एक्टिविटी हैं। थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए आपको भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिक और ये रिकॉर्ड और वाइवा के कुछ मार्क्स होते हैं, और ये सारा का सारा लगभग 30 नंबर का होता है। तो लैब थोड़ी अव्यवस्थित सी है, काफ़ी दिनों बाद खोली है, कुछ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया है। जैसे ये ओम्स लॉ यहाँ आपको दिख रहा है जचा हुआ, इसको मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। इसी तरह से ये एक मीटर सेतु आपके प्रैक्टिकल होता है, मीटर ब्रिज, उसका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये आप हायर एजुकेशन में करोगे और 11th 12th में। इसी तरह से पोटेंशियोमीटर विभवमापी का है, और ये जो आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये डायोड का है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। इस डायोड होता क्या है, ट्रांजिस्टर का भी इसी तरह से फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का, ये ऑप्टिकल बेंच का एक प्रैक्टिकल है, और ये आपके हाफ डिफ्लेक्शन का है। इस तरह से प्रिज्म का और ये सारे का सारा आपके कुछ प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो अपने लैब में आने वाले जो एक नॉर्मल अप्रेटस है उनकी मैं फटाफट जानकारी दे देता हूँ कि दोस्तों, आप देख सकते हो ये ए लिखा हुआ है, A4, ये एमिटर होता है। एमिटर अलग अलग होते हैं, 1.5 वोल्ट, 1.5 एम्पियर का भी होता है, 2 एम्पियर का भी होता है, 3 एम्पियर, अलग अलग परास। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें ये 3 मैक्सिमम लिखा हुआ है, यानी 3 एम्पियर परास का है। एम्पियर यानी एमिटर, एमिटर धारा का मापन करता है, ठीक है। और ये V लिखा हुआ वोल्ट मीटर, ये भी 3 वोल्ट का है, ये विभवांतर का मापन करता है। ये दोस्तों आपको गैल्नोमीटर दिखाई दे रहा है, गैल्नोमीटर आपके जिसको हम धारा मापी कहते हैं, ये धारा का अल्प से अल्प मापन करता है। गैल्नोमीटर से यानी धारा मापी से ही एमीटर बनता है दोस्तों, और गैल्नोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है। इस गैल्नोमीटर के पैरेलल में समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध तार संट जोड़ देते हैं जिससे एमीटर बन जाता है, और इस गैल्नोमीटर के श्रेणी क्रम में यदि हम सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध तार जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये गैल्नोमीटर की सेंसिटिविटी और जो एफिशियंसी वो थोड़ी अच्छी रहती है, इसीलिए हम इसको यहाँ आप देख रहे हो बीच में 0, साइड में 30 30, यानी बाई और दाई और धारा की दिशा का मापन करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सबसे पहले हम सेल की बात करें। सेल के लिए आप जानते हो प्लस माइनस टर्मिनल दिखाते हैं, बड़ी जो डंडी होती है वो प्लस की, छोटी वाली डंडी माइनस की होती है, ज़्यादातर डीसी जो ऑपरेटर्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक बैटरी एलिमिनेटर है, इसमें ये 0 2 4 6 12 तक आपका लिखा हुआ है, यानी ये 12 वोल्ट आपको दे सकता है। ये इधर AC to DC कन्वर्ट करने वाला बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक है, ये हम यूज में ले लेते हैं कभी लाइट रहती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है सेल, ठीक है, मल्टीमीटर की सहायता से या वोल्ट मीटर की सहायता से हम इन सेल की वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, जो सिंपल सा है, आपको पीछे भी वीडियो में बताया था, और ये आप इस तरह से देख सकते हो। कोई भी, जैसे मैं सेल लूँ, सिंपल सा ये एवरीडे का एक सेल है, और इसमें दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज ये आप देख सकते हो 1.5 वोल्ट है, काफ़ी टाइम पुराना सेल है। ये ऊपर की तरफ प्लस सिरा होता है इसका धनागर, और नीचे की तरफ ये माइनस है, तो इसको यदि हम प्लस माइनस लगा के देखें तो फटाफट देखें तो ये देखिए 1 वोल्ट से कम दिखा रहा है, तो ये वोल्टेज भी काफ़ी कम है, तो यानी करंट तो देने का मतलब ही नहीं है। और ये आपके एक अभी नया सेल लेके आए हैं मार्केट से, और ये इसको यदि हम प्लस माइनस ऐड करके और ये जोड़ के कनेक्ट करके देखते हैं, तो ये आप देखिए दोस्तों,
1.5 वोल्टेज के लगभग शो कर रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है, तो ये लगभग अपने काम चलने वाला है, सेल है, और इसको हम इजीली काम में ले सकते हैं। इस तरह से मैंने एक ये सेल बॉक्स ले लिया है, डेढ़ और डेढ़ यानी 1.1, 1.5, ये 3 वोल्ट लगभग जो होता है अपने इस तरह का, वो 3 वोल्ट अपने लैब में सफिशियंट रहता है, तो ये इस तरह से सेल बॉक्स में 3 वोल्ट के रूप में इसमें काम में ले लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों अन्य सेलों की यदि हम बात करें, तो ये अभी आपने बात की है, ये शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, ठीक है, लगभग 1.5 वोल्ट के ये अदर बैटरीज हैं, ये सरकार के द्वारा आई प्रोवाइड की करवाई गई थी, 6 वोल्ट है लगभग, 1.5 से 2 एम्पियर या 2.5 एम्पियर है। इसी तरह से और बैटरी की बात करें, ये भी इसी तरह से ही है, लगभग 2 वोल्ट है, 45 AH है, AH के बारे में और इसके बारे में काफ़ी डिटेल, एम्पियर इंटू आवर है, ये जैसे अपने घरों के अंदर जो इन्वर्टर वाली बैटरियाँ होती है, 150 AH, 200 AH, 250 AH, उस तरह से होती है। इसी तरह से दोस्तों ये मुख्यतः दो प्रकार के सेल हम लैब में काम में लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डेनियल सेल है, ये लेक्लांसी सेल है। डेनियल सेल हो चाहे लेक्लांसी सेल हो, इसमें ये जिंक की रॉड दिखाई दे रही है, जस्ते की छड़ है, इसके अंदर भी ये जस्ते की छड़ है, ये दोनों के दोनों हम बैटरी के माइनस यानी ये रिन टर्मिनल का काम करेगी, यानी कि कैथोड के रूप में हम इसको लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो बाहर वाला डब्बे का जो कॉपर का है, ये तांबे का, ये इसका धनाग्र सिरा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन की छड़ है, पार्को या ये ओमेगा वाले थोड़े से ज़्यादा बढ़िया आते हैं ब्रांडेड कंपनियों के, इसको हम तोड़ के देखें तो ये छोटी रहती है कोई लोकल में, अदरवाइज ये रोड पूरी नीचे तक रहे तो थोड़ा सा और अच्छा वोल्टेज दे पाती है, करंट भी अच्छा देती है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बाहर आपके इस तरह से एक ये बड़ा सा एक पात्र के अंदर, और ये एक रोल टाइप आपको दिखाई दे रही है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई अन्य इसके अंदर जो केमिक ये जो विद्युत अपघट्य इसके अन्य पदार्थ लेकर ये बनाया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में हम दोस्तों ये जो आपको लेक्लांसी सेल दिखाई दे रहा है, इसका EMF विद्युत वाहक बल 1.45 वोल्ट है, लगभग 1.5 वोल्ट है, इन सेल के इक्वली होता है, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है, बार बार इसको बनाना पड़ता है। इसके लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं विद्युत अपघट्य, वो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम NH4 और क्लोराइड Cl, अमोनियम क्लोराइड धनायन ऋणायन बनकर, और ये आसानी से एक सेल का निर्माण कर लेते हैं, लगभग 1.5 वोल्ट, 1.45 या 1.5 वोल्ट ये शो करता है। ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है, जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं, इसका स्टैंडर्ड मतलब मानक सेल है, इसका EMF काफ़ी लंबे समय तक काम में आता है, यानी एक बार सेल बना देते हैं तो 15-20 दिन, महीने भर इजीली हम इसको काम में ले लेते हैं। इसमें एक ये छोटे छोटे एक ये सरंध्र पात्र है, ठीक है, एक यूटेंसिल है, अंदर से खोखला है, इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ चीनी मिट्टी का है, तो आसानी से इसमें जो आयन है उनका एक्सचेंज होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनमें चलता रहता है। इसके अंदर हम विद्युत अपघट्य के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉपर सल्फेट हम डाल देते हैं, Cu+ और SO4- के रूप में, कुछ दोस्तों इसके अंदर हम एसिड भी डाल देते हैं, H2SO4 की मात्रा भी डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन करके इसमें वही कैथोड एनोड और धनायन और ऋणायन बन के इसको हम सेल को काम में ले लेते हैं। तो ये कुछ साधारण जानकारियां थी सेल की, आपको देखी हुई रहें तो आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम दोस्तों हाँ तो दोस्तों ये कुछ आपने उपकरणों की बात कर ली, अब हम इस ओम के नियम को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके डायग्राम को यहाँ बोर्ड के ऊपर बना के शो कर देता हूँ, और फिर आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बच्चों दोस्तों ये हम एक बैटरी ले रहे हैं, ये आप जानते हो, और इस बैटरी का जो प्लस सिरा है वो एमिटर के प्लस से, इसका जो माइनस है वो हम अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, अज्ञात प्रतिरोध तार अननोन रेजिस्टेंस वायर होता है, इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर लगा देंगे, और यहाँ हम एक रियोस्टेट ले लेंगे धारा नियंत्रक, और यहाँ हम दोस्तों एक कुंजी ले लेंगे, और इस कुंजी को हम साथ में अज्ञात प्रतिरोध या वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये बैटरी है, ये इसका EMF kVR, और ये कुंजी की और धारा प्लस से माइनस की तरफ रहती है। दिमाग में आपको ये डायग्राम होना चाहिए, जब आपको ये दिमाग में डायग्राम होगा तो आप आसानी से फटाफट इसको जोड़ लोगे और प्रूव भी कर लोगे। तो अब इसको समझने के लिए यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों,
कि मैंने क्या किया, ये इस बैटरी का प्लस सिरा, ये आप देख सकते हो, ये सेल का प्लस है, इसको एमीटर के प्लस से जोड़ दिया, एमीटर का माइनस वोल्टमीटर से जोड़ दिया, वोल्टमीटर का माइनस धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक के साथ है कुंजी जोड़ दी। ये सब सीरीज में जुड़ा हुआ है दोस्तों, यानी कि श्रेणी क्रम में, केवल ये वोल्ट मीटर है ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी होता है, मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, वो हम आगे कभी चर्चा कर लेंगे, या कमेंट में आपको मैं बता दूंगा यदि कोई पूछे तो। अपने 10th लेवल के मतलब का ये फिलहाल नहीं है। हाँ तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें दो बातें और बता दूं, ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये आपके धागा लगा हुआ है, इसको हम संयोजी तार कहते हैं, कनेक्टिंग वायर, तांबे का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है, इसकी प्रतिरोधकता काफ़ी कम होती है, कम होने के कारण हम इसको कनेक्टिंग वायर के रूप में काम में। ये जो आपको तार दिखाई दे रहा है ये मैग्नीन का होता है, ठीक है, मैग्नीन यानी कोई ना कोई एलॉय मेटल है, यानी मिश्र धातु का बना हुआ तार है, इसकी प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी मच मोर हाई, 44×10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, तांबे की आप जानते हो नेग्लिजिबल सी है, 1.7×10⁻⁸ या -6, अलग अलग बुक में अलग अलग ओम इंटू मीटर, ये आपके कॉन्स्टेंटन या यूरेका भी कह देते हैं, इसका है इसकी 49×10⁻⁸, यानी कहने का अर्थ ये है ये कनेक्टिंग वायर के कंपेयर में ऑलमोस्ट 40 to 48 या 50 टाइम्स मोर होती है इसकी रेसिस्टिविटी, यानी कि 40 से 42 या 45 गुना ज़्यादा इसकी प्रतिरोधकता होती है, इसीलिए हम इसको प्रतिरोधक तार कह देते हैं, इनको हम संयोजी तार कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुंजी है, कुंजी है जो स्विच होती है, जैसे स्विच को आप ऑन ऑफ करते हो वैसे ही कुंजी का है, कुंजी को जैसे ही मैंने डांट लगाई तो आप जानते हो ओम के नियम के अनुसार आप क्या जानते हो, वी जो है वो प्रोपोर्शनल आई के होता है, यानी कि विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ना चाहिए। तो इसको धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करने वाली होती है। तो फिलहाल दोस्तों क्या हो रहा है, ये धारा इधर से जाके और इधर से जाके ये इतना तार काम आ रहा है, फिर ये पत्ती की सहायता से यहाँ से ये जुड़ के और फिर धारा यूं जा रही है। अब इसको मैं जैसे जैसे इधर बढ़ाऊंगा, इधर बढ़ाने पर हुआ क्या, ये जो तार है ये तार कम काम में आ रहा है, यानी प्रतिरोध जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इधर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध का मान घटता जाएगा, इधर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये सारा का सारा जो वायर है ये यूज में आएगा। तो इसीलिए ये आपके करंट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है, धारा नियंत्रक का काम। अब आप देख रहे हो दोस्तों मैं इधर बढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आप रीडिंग भी देख सकते हो, इसमें जैसे जैसे प्रतिरोध का मान कम हो रहा है वैसे वैसे धारा का मान जो है एक निश्चित आपके प्रतिरोध के मान धारा का मान जो है बढ़ने लग जाए। अब देखिए दोस्तों आप 2 या 3 आपके ये जो लाइनें हैं है ना, पैमाने या खाने हैं, इन पर आने लग गया है। अब देखिए दोनों ही पांचवें या छठे खाने पर आ गए, ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कहने का अर्थ ये है धारा और वोल्टेज जो है साथ साथ एक आनुपातिक रूप में, ठीक है, रेशियो जो है वो सेम रेशियो के रूप में ये बढ़ रही है आनुपातिक रूप से। देखिए दोस्तों साथ साथ ये बढ़ रही हैं और ये साथ साथ आपके घट रही हैं, ये साथ साथ बढ़ रही हैं और ये साथ साथ घट रही हैं। तो इस तरह से विभवांतर धारा के समानुपाती है, जैसे जैसे वी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आई का मान भी बढ़ रहा है। तो आपने इसके द्वारा भी क्लियर कर लिया, और ये जो मैं आपके इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, और ये जो आपके बैटरी एलिमिनेटर से है इससे भी मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी वही है, जैसे ये प्लस है, इस प्लस को मैंने यहाँ प्लस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये ऑन है ही, इसको ये ऑन कर दिया, 4 वोल्ट या 6 वोल्ट आपने शो कर दिया, अब थोड़ा सा करंट इजीली और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जैसे जैसे मैं इधर प्रतिरोध कम कर रहा हूँ धारा नियंत्रक की सहायता से, रियोस्टेट की सहायता से, रेजिस्टेंस को मैं जब लेस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि धारा जो है एम्पियर में जो करंट है और उधर वोल्ट मीटर में वोल्टेज है वो देखिए आप दोस्तों साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये देखिए 1.5, 1.2, इस तरह से ये आप देख सकते हो कि विभवांतर और धारा का मान एक साथ बढ़ता है एक साथ घटता है, यानी दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आप भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। किसी प्रकार की और कोई बात है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।